बताने वाली हूँ वन साइड काफ्तान कटिंग एंड स्टिचिंग बिल्कुल इजी है, एकदम सिंपल है। तो लेस के साथ मैं आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइज मैंने इसको बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है जॉर्जेट वाला, और यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए भी फैब्रिक ले लिया है 1.5 मीटर। तो दोनों फैब्रिक को मिला करके यहाँ पर मैं इस काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग करूँगी। तो ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक हमारा 2 मीटर है और ये वाला फैब्रिक हमारा 1.5 मीटर है, जो कि लाइनिंग के लिए मैंने लिया है अस्तर के लिए। तो चले फ्रेंड्स इस काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं बिल्कुल इजी एकदम सिंपल सी। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है अच्छे से। आप देख सकते हो 2 फोल्ड ऊपर है और 2 फोल्ड ये नीचे है। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके नेक को मार्क कर लूँगी, नेक की विड्थ लूँगी मैं 3 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पर नेक की लेंथ ले लूँगी फ्रेंड्स मैं इस तरह से 4 इंच, और 4 इंच पे मैंने इसको इस तरह से मार्क करने के बाद राउंड शेप कर दी है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो हमारा नेक मार्क होकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर साइज़ होगा हमारा 10th इंच पे, तो 10th इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है इस तरीके से। अब इसके बाद गाइस नीचे से जो है हमारी स्लीव्स जो है ये ओपन होगी यहाँ पर, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फैब्रिक की मैंने विड्थ ले ली है इस तरह से 16 इंच। तो यहाँ पर फुल विड्थ में इसकी रख लूँगी 16 इंच पर ही। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने इसको मार्क किया है नेक से मैं इसको कट कर देती हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब इसके बाद इधर से मैं इसको कटिंग कर दूंगी, तो ओनली ऊपर वाला पार्ट में कटिंग करूंगी, एक साइड से मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। तो मैंने एक पार्ट को इस तरह से कटिंग कर दिया है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने ऐसे ही जॉइंट रहने देना है। तो इस तरीके से गाइस ये कटिंग हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको ओपन करके बिछा लूँगी इस तरीके से। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है यहाँ पर। अब इधर की साइड पर गाइस यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कटिंग करूँगी, तो इधर की साइड से मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, ये ओपन साइड होगी ये हमारी यहाँ पे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी स्लीव्स की साइड से यहाँ पे। अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे अपनी जो कुर्ती है स्टिच वाली वो मैंने इसके ऊपर रख ली है इस तरह से। आपको कुर्ती इसके ऊपर रख लेनी है। अब यहाँ पे स्लीव्स को आपको इस तरह से हटा लेना है और इसी के शोल्डर के साइज़ का आपको मार्क करना है गाइस, हल्का हल्का सा मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को इस तरीके से मार्क कर लिया है अमोल को। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इस तरह से नीचे तक के इसको मार्क कर दूंगी मार्जिन का रखते हुए, बिल्कुल कुर्ती के साइज़ का मैंने इसको मार्क कर दिया है। ये हमारे मार्जिन का हो गया है गाइस। आर्मोल से मैंने निशान लगाना स्टार्ट किया है और नीचे तक के मैंने इसको इस तरह से निशान लगा दिया है। अब जहाँ पर भी मैंने इसको निशान लगाया है नीचे तक के मैं इसको इस तरीके से कटिंग कर देती हूँ गाइस इसी निशान से। तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइड से। यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है वो जॉइंट होगी, तो ये हमारा शोल्डर हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको नोटिस लगा दूँगी दोनों साइड पर गाइस, इधर भी मैं नोटिस लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये ऊपर से हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं इधर की साइड पे इंची टेप को इस तरह से रख लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये 35 इंच पे होगा, इसकी जो लेंथ होगी 35 इंच पे होगी। और इधर की साइड से गाइस इसकी लेंथ जो है वो कम होगी, मैं इसको हाई लो मार्क करूँगी। तो इधर की साइड से इसकी लेंथ रख ली है मैंने इस तरह से 29 इंच पे। अब इसको मैं इस तरीके से मार्क कर दूँगी हाई लो में, तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है यहीं से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है इस तरह से, ये कटिंग होकर रेडी हो गया है हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है, इसको भी मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये आप देख सकते हो गाइस ये 4 फोल्ड हो गया है इस तरह से। अब मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी,
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूँगी गाइस, इस तरह से 29 इंच पे मैं इसकी लेंथ रख लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये जॉर्जेट वाला पार्ट रख लूँगी इस तरीके से। अब जॉर्जेट वाले पार्ट के नेक को इस तरह से सेट करके रख लेना है और उसी के बराबर बराबर से लाइनिंग वाले पार्ट के नेक को कटिंग कर देना है गाइस। तो ये मैंने कटिंग कर दिया है इसको। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर साइज़ रखूँगी यहाँ पे इस तरह से 3 इंच, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। आर्मोल साइज़ यहाँ पे रखूँगी गाइस मैं इस तरीके से 7 इंच पे, और चेस्ट रखूँगी यहाँ पे मैं इस तरह से 9 इंच पे। तो 9 इंच पे मैंने चेस्ट को मार्क कर दिया है। अब इसको राउंड शेप कर दूँगी इस तरीके से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो लूजिंग है वो रखूँगी मैं 8 इंच पे। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब नीचे से रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से 10 इंच पे, तो 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब ऊपर से मैं इसको इस तरह से नीचे तक के मिला दूँगी बिल्कुल बाहर से लेते हुए। तो ये मार्क हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया है गाइस। तो लाइनिंग वाला पार्ट भी हमारा कटिंग होकर रेडी हो गया है। मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 स्लीव्स इसमें लगने वाली है, तो मैंने 1 स्लीव्स के लिए इस तरह से फैब्रिक को बिछा लिया है गाइस यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे जो स्लीव्स की लेंथ है वो ली है मैंने यहाँ पे 18 इंच, और नीचे से यहाँ पे मैं इसकी विड्थ लूँगी 5 इंच पे। इस तरह से मैंने 5 इंच पे इसको रख लिया है। ऊपर से यहाँ पे जो हमारा आमोल होगा वो होगा 8 इंच पे, तो 8 इंच पे मैं इसको इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्क को मैं नीचे से इस तरह से मिला दूंगी। पहले मैं ऊपर से इसको इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लूँगी, और इसके बाद नीचे तक के मैं इसको इस तरह से मिला दूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्लीव्स को मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी जैसे मैंने इसको मार्क किया है वैसे ही सेम। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्लीव्स को इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको स्टिच लगा लूँगी, इसमें जो ये यहाँ पे जोड़ आया है गाइस इसको मैं स्टिच करके यहाँ पे सेट कर लूँगी। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने इस तरह से जॉर्जेट वाला पार्ट ले लिया है काफ्तान का। अब इसको यहाँ पे मैं रेडी करूँगी लेस लगा करके। तो सबसे पहले मैं इसको मार्क करूँगी 2 इंच पे फ्रेंड्स। तो 2 इंच पे मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इसको 2 इंच पे, इस तरह से इंची टेप को सीधा रखते हुए। आप चाहो तो स्केल वगैरह भी ले सकते हो, तो मैं बिल्कुल इसको सीधा सा एकदम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं 2 इंच पे दूसरा मार्क करूँगी, तो इसको भी मैं सेम इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक और इसको मार्क कर लूँगी सेम इसी तरह से, और इसको भी यहाँ पे मैं नीचे तक के बिल्कुल एकदम सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने 3 लाइन इसको ड्रॉ कर दी है। अब जो मैंने लाइन इसको बनाई है यहाँ पे मैं इसको लेस लगाऊंगी, ब्लैक मैंने लेस ले ली है इस तरह से सिंपल सी। अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है सेम इस पर मैं इसको इस तरह से रखते हुए गाइस स्टिचिंग लगा दूँगी। तो 2 स्टिचिंग में मैं लेस को इसके ऊपर सेट करूँगी, एक इधर स्टिचिंग लगा दूँगी और एक इधर। अब सेम इसी तरह से जो मैंने सारे मार्क किए हैं इनको भी मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी फ्रेंड्स, और इसको भी मैं स्टिच लगा दूँगी। तो तीनों को इस तरह से मैं लेस रखते हुए स्टिचिंग के साथ सेट कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइज मैंने लेस को इस तरह से लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से आपको इसको लेस को फैब्रिक में जॉइंट कर देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये ओपन साइड है हमारी इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाऊंगी गाइस, बारीक बारीक सा डबल फोल्ड कर लूँगी मैं इसको। और इधर की साइड से भी इसी तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी गाइस पूरे को, और नीचे तक के इसको मैं इस तरह से यहाँ तक के फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको भी मैं सेम इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। 1 स्टेप में आपको दोनों को कम्प्लीट कर देना है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो मैं इनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने दोनों को इस तरह से फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक बारीक सा अच्छी सी फिनिशिंग के साथ मैंने फोल्ड किया है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो नीचे वाले पार्ट को भी मैंने सेम इसी तरह से फोल्ड कर दिया है ऊपर तक के। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको ब्लैक वाली लेस लगाऊंगी, तो मैंने ये ब्लैक लेस ले ली है इस तरह से बॉटम पार्ट के लिए। अब इसको मैं ऊपर से रखते हुए यहाँ पे पूरे पे इसको मैं इसको जॉइंट कर दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे शोल्डर से मैं इसको रखूँगी इस तरीके से, स्लीव से मैं इसको रखने स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्लेट्स इसमें एक ऐड कर दूँगी कोने पे, कोना सा बनाते हुए मैं इसको इस तरीके से नीचे तक के लेके आऊँगी। और इसके बाद गाइस यहाँ पे भी मैं इसको कोने पे एक प्लेट ऐड कर दूँगी इस तरह से इधर से घुमाते हुए, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको इस तरीके से ऐड कर दूँगी। सेम इसी तरह से गाइस आपको बैक वाले पार्ट में लेस को ऐड कर देना है। तो मैंने बॉटम लेस ली है फ्रेंड्स ये,
तो इस तरीके से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी आपको ये बॉटम लेस लगा देनी होगी। अब इसके बाद गाइज मैंने स्लीव्स को रेडी करके रख लिया है इस तरीके से। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पे इस तरह से 3 लाइन लेस की लगाई है और एक फ्रंट पे लगा दी है। इस तरीके से मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स को गाइज यहाँ पे मैं इस तरह से आर्म होल में ऐड करूँगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं इसको इसमें ऐड करके स्टिचिंग कर दूँगी गाइज। और इसके बाद यहाँ पे गाइज मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं नीचे तक के इसको बंद कर दूँगी लेस को ऐड करते हुए इसमें। तो यहाँ पे गाइज मैंने लेस को इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है, पूरे को मैंने सेट कर दिया है। फ्रंट वाले पार्ट को भी और बैक वाले पार्ट को भी मैंने ये बॉटम लेस लगा ली है इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो पूरा यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद मैंने स्लीव्स इसमें ऐड कर दी है इस तरीके से। और यहाँ पे इसके बाद मैंने इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जॉर्जेट वाला काफ्तान हमारा रेडी हो गया है। अब इसके नेक को मैं रेडी करूँगी लाइनिंग वाले पार्ट के साथ। इसके बाद मैंने जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और इसको भी मैंने उल्टा कर लिया है फ्रेंड्स, दोनों पार्ट को मैंने उल्टे कर लिए हैं, जॉर्जेट वाले को भी और लाइनिंग वाले को भी। अब मैं इसको इसमें इस तरह से ऐड कर दूँगी और दोनों के शोल्डर को एक साथ मिलाते हुए रखूँगी इस तरीके से मैं। तो दोनों के शोल्डर को मैंने इस तरह से मिला के रख लिया है बिल्कुल अच्छे से एक साथ। अब यहाँ पे मैं अच्छी सी फिनिशिंग के साथ नेक को स्टिच लगाऊंगी हल्के हल्के से मार्जिन से। तो यहाँ पे गाइज मैंने नेक को इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैंने इसको इस तरीके से सीधा करके रख लिया है। अब सीधा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो हाफ इंच के गैप से मैं इसको स्टिच कर देती हूँ यहाँ पे पूरे राउंड को। और इसके बाद यहाँ पे गाइज दूसरी साइड की फिटिंग की स्टिचिंग लगाऊंगी मैं। तो इस तरह से मैं जो अंदर वाला हमारा पार्ट है लाइनिंग वाला उसी से मिलाते हुए इसको मार्क कर लूँगी। और नीचे से बिल्कुल जहाँ तक के ये है वहीं तक के मैं इसको स्टिच कर दूँगी गाइज। और इसको मैं बंद कर दूँगी स्टिच करते हुए, जहाँ पे मैंने मार्क किया है सेम उसी पे मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी। तो इस तरह से गाइज नेक को मैंने स्टिचिंग लगा दी है यहाँ पे, या आप देख सकते हो हल्के हल्के से मार्जिन से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमारा काफ्तान रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप वन स्लीव काफ्तान बना सकते हो वन साइड वाला। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।